जुमले झूठ धोखा और भ्रष्टाचार, ऐसी है खट्टर सरकार, जिन्होंने विधानसभा के आखिरी सत्र में आखिरी मिनट पर अरावली पर कानून लाकर अरावली की 60,000 एकड़ भूमि में 50,000 करोड़ का जबरन घोटाला किया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, जिसका जवाब खट्टर सरकार को देना होगा कि कौन से बिल्डर, राजनीतिक लोग और मंत्री इसमें शामिल है जो अरावली को दोनों हाथों से लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फरीदाबाद में कांग्रेस के युवा नेता मनमोहन भडाना द्वारा आयोजित बदलाव रैली के दौरान दिया। दिखाई दे रहा है नजारा फरीदाबाद में आयोजित कांग्रेस की बदलाव रैली का है, जिसका आयोजन प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री रहे करतार भडाना के पुत्र और युवा कांग्रेस नेता मनमोहन भडाना ने किया था। इस रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ नजर आई, चारों तरफ पंडाल में कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे, जो इस बदलाव रैली के सही मायने बयां कर रहे थे। बारिश के मौसम के बावजूद बूंदाबांदी में भी लोग डटे रहे। रैली में मुख्य अतिथि पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने इस बदलाव रैली की भीड़ देखकर कहा कि इस बदलाव रैली में लोगों का ठाके मारता समुन्द्र इस बात का सबूत है कि फरीदाबाद भी आज हरियाणा के साथ बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज खट्टर और मोदी की सरकार को जुमले झूठ धोखा और भ्रष्टाचार जैसे उन चार शब्दों में चित्रित किया जा सकता है। उन्होंने रैली के आयोजक मनमोहन भडाना की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि बदलाव रैली का आयोजन कर उन्होंने एक क्रांतिकारी शुरुआत की है और राजनीति में उनका भविष्य उज्जवल है। उन्होंने कहा कि आज हजारों की संख्या में मौजूद भीड़ इस बात का सबूत है कि जनता खट्टर और मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। वहीं उन्होंने फरीदाबाद के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि इन दोनों मंत्रियों ने विकास करने की बजाय 5 साल आपस में ही जूतम पैजार में निकाल दिए, जिसके चलते लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। वहीं खट्टर सरकार बुलडोजर चलाकर लोगों के आशियाने तोड़ने में जरूर लगी रही। इस कामयाब बदलाव रैली के लिए भाई मनमोहन भडाना और कांग्रेस के हमारे सारे साथियों को ढेरों शुभकामनाएं। ये ठाठे मारता समुंदर जो बारिश से पहले 2 बजे तक फरीदाबाद की इस ऐतिहासिक धरती के प्रांगण में था, ये सबूत है कि फरीदाबाद बदलाव के लिए और हरियाणा के साथ साथ तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी और खट्टर सरकारों को आप 4 शब्दों के अंदर चित्रित कर सकते हैं, जुमले झूठ धोखा और भ्रष्टाचार, किसी और चीज से नहीं सरोकार, झूठे वादों की भरमार और चारों तरफ चौतरफा भ्रष्टाचार, ऐसी ही है खट्टर और मोदी की सरकार। मनमोहन भडाना जी ने एक निर्णायक और क्रांतिकारी शुरुआत इस बदलाव रैली के माध्यम से की है। मैं आप सबका भी धन्यवादी हूँ और उन हजारों लोगों का जो आज इस कार्यक्रम में आए, जो इंद्र देवता की कृपा की वजह से संपूर्ण नहीं हो पाया, पर हर वो व्यक्ति जो यहाँ भाग लेने के लिए आया उसकी भागीदारी इस बात का सबूत है कि खट्टर और मोदी दोनों सरकारों को हरियाणा और देश की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, फरीदाबाद में 2-2 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री, पर पूरे 5 साल उन्होंने जूतम पजार के अंदर गुजार दिए, फरीदाबाद को मिला कुछ नहीं। ये केवल खट्टर सरकार में ही मुमकिन है। इस पूरे इलाके के अंदर मामा भांजा के अत्याचार से लोग जूझते रहे और पूरे के पूरे 5 साल बेकार हो गए, ये भी खट्टर सरकार में मुमकिन है। कांग्रेस की सरकार कानून लेकर आई थी कि कॉनली अनऑथोराइज्ड हो, ऑथोराइज्ड हो, हर के अंदर बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, इसकी व्यवस्था करेंगे, परंतु 5 वर्षों में गरीब आदमी का जीना दूभर और अनेकों कॉलोनियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया, ये भी खट्टर सरकार में मुमकिन है। उद्योग मंत्री तो हैं पर उद्योग गायब है, जो पहले से लगा उद्योग है वो भी अपना काम छोड़कर जाने को मजबूर है, पलायन कर रहा है, ना बिजली है ना पानी का इंतजाम है, ये भी खट्टर सरकार के अंदर ही मुमकिन है।
और एक आखिरी बात जोड़कर मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। हमारे यहाँ जिस प्रकार से महिलाओं के साथ आए दिन गुंडागर्दी हो रही है, बलात्कार, छेड़छाड़, भेदभाव, डकैती और चोरी संगठित अपराध का बोलबाला है, ये भी खट्टर सरकार के अंदर मुमकिन है। और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अरावली की जो वन की भूमि है, 60,000 एकड़ भूमि में 50,000 करोड़ का जबरन घोटाला खट्टर सरकार जो कर रही थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई, ये भी खट्टर सरकार में मुमकिन है। और अब तो एक नया शगुफा छोड़ दिया कि जितने पहाड़ हैं जिनकी कभी चकबंदी हो नहीं सकती, अब उनकी चकबंदी कर खट्टर साहब पूरी अरावली के पहाड़ों को अब तोड़ने की तैयारी में है। सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार, बिल्डर और राजनीतिक लॉबी ये मिलकर सर चढ़कर बोल रही हैं और फरीदाबाद, गुड़गांवा और NCR के क्षेत्र का दोहन कर दोनों हाथों से लूट मची है। मनमोहन जी और ये सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के जो साथी यहाँ मौजूद हैं, हम इस बात को लेकर संकल्पबद्ध हैं कि हम इनके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा में कैसे कोई गठबंधन करना चाह रही है पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ और कैसे इलेक्शन लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता से है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरे दल से गठबंधन की आवश्यकता नहीं। आपने चौधरी अवतार सिंह बढ़ाना के साथ काम किया, आपने अवतार सिंह बढ़ाना के साथ काम किया, मनमोहन बढ़ाना जो कि एक युवा नेता के रूप में उभर कर आ रहे हैं, उनको कैसे देख सकते? देखिए, मुझे लगता है कि भडाना परिवार की एक अनूठी और फरीदाबाद के इलाके की सेवा की संस्कृति है और मनमोहन भडाना जी उस यज्ञ और संस्कृति को आगे लेकर बढ़े हैं। इसके लिए मैं इनको भी, इनके सब परिवारजनों और साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये वो नौजवान है जिसने जाति से ऊपर उठकर, जिसने किसी भेदभाव और पक्षपात से ऊपर उठकर ये प्रयास किया कि हर बिरादरी के आदमी को, खास तौर से गरीब समाज को एक सूत्र में बांधे, और इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ। इनका भविष्य उज्जवल है और ये एक चमकते सितारे की तरफ इलाके की सेवा करेगा। अरावली के महत्व को क्यों नहीं समझ पाई हरियाणा सरकार? खट्टर सरकार कुछ बिल्डरों और राजनीतिक लोगों के हाथ में खेल कर हजारों करोड़ रुपए की संपदा को लूटना चाहती है। वो हजारों करोड़ रुपए की संपदा जो फरीदाबाद, गुड़गांवा, हरियाणा, दिल्ली, इस पूरे हिंदुस्तान के इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संपदा है, उसकी लूट की चाहत ने आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब को अंधा कर दिया है। और एक अंधी सरकार, एक भ्रष्टाचारी सरकार, एक भ्रष्टाचारी कानून लेकर आई जिस पर 24 घंटे के अंदर न केवल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार और लताड़ लगाई, परंतु खट्टर साहब की इस भ्रष्टाचारी कानून पर पाबंदी लगा दी। अब इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना है। कुछ समाचार पत्रों ने तो उन लाभांशियों के नाम भी छाप दिए कि कौन सी कंपनी को कितने कितने हजार एकड़ का फायदा होने वाला था। इसके पीछे कौन है खट्टर साहब? आप मौन क्यों धारण किए हुए हैं? भ्रष्टाचार की लूट में कौन कौन शामिल है? उसका पैसा किस किस की जेब में जाएगा? ये इस पैसे के अंदर कौन कौन राजनीतिज्ञ शामिल हैं? कौन से पॉलिटिकल आदमी की जमीन है? उन कंपनियों के अंदर आपके कौन से मंत्रियों की हिस्सेदारी है? आपके कौन से मंत्री की जमीन है? इन सब की जांच होनी चाहिए, परंतु मुख्यमंत्री मौन धारण किए हैं। मौन धारण करने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। ये 50,000 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार का मामला है। संजय भाई, थोड़ा कांग्रेस पार्टी करो। विधानसभा के अंदर चोरी छिपे जब आखिरी मिनट पर, पहले नहीं बताया कि कानून लाएंगे, चोरी छिपे आखिरी मिनट पर, सत्र के आखिरी दिन, आखिरी मिनट पर खट्टर साहब ये कानून लेकर आए। सब विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया और मैं ये कह सकता हूं संकल्प लेकर कि हम सब, जब तक हमारे अंदर संकल्प और जीवन है, हम हमारी प्राकृतिक संपदा को भाजपाई नेताओं के द्वारा लूटने के इस षड्यंत्र का पुरजोर विरोध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, कांग्रेस की अगली सरकार जब आएगी तो हम इस कानून को निरस्त कर देंगे। बदलाव रैलियों को, इस तरह की बदलाव रैलियों को आप किस नजरिए से देखते हैं आज के दौर में?
वक्त है बदलाव का, ये नारा राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के प्लेनरी सेशन के अंदर दिया था। भाई मनमोहन भड़ाना और कांग्रेस के सब साथी उसी बदलाव की बयार को साथ लेकर आज चले हैं। वो मोदी जी हों या खट्टर साहब, उनकी झूठ जुमले धोखे और भ्रष्टाचार से अब देश और प्रदेश की जनता थक चुकी है। पहले कहते थे 15-15 लाख लेकर आऊंगा, फिर बोले एक के बदले 10 सर लेकर आऊंगा, फिर बोले चीन और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाऊंगा। कल भी हमारे पांच सैनिक शहीद हो गए, 2 सेना के 2 सीआरपीएफ के, 1 जम्मू कश्मीर की पुलिस के, 9 माह की एक बेटी जिसने अभी आंख खोली थी उसकी मृत्यु हो गई पाकिस्तान की गोलाबारी में, 5 साल का बच्चा चला गया, माँ चली गई, 8 लोग हमारे कल हताहत हुए, शहीद हुए। पर मोदी जी को चुनावी रणनीति और राजनीति से फुर्सत हो क्या? मोदी जी आप पाकिस्तान से टेलीविजन पर लड़ेंगे, चुनावी रैली में लड़ेंगे या कोई निर्णायक नीति से लड़ेंगे? आतंकवाद से और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की वो नीति क्या है? कब उग्रवाद खत्म होगा? कब मौलाना मसूद अजहर को हम दोबारा पकड़ कर लाएंगे, जिसको आपके एनए से अजीत डोवल छोड़कर आए थे कांधार अफगानिस्तान? कब जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तोयबा, हकानी नेटवर्क हो या दूसरे उग्रवादी संगठन, वो पाकिस्तान की सरजमी पर पनपने से रुक पाएंगे? इसका जवाब प्रधानमंत्री दे देश को। निर्णय सरकार करती है, हमने एक से नहीं अनेकों बार कहा कि आतंकवाद का के नाक का सर काटने के लिए सरकार जो निर्णय करेगी, सेना जो भूमिका निभाएगी, हम सब उसके साथ। एयर स्ट्राइक का क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, सेना की शहादत, मैं सर अभी एक मिनट में, हम सेना की शहादत राजनीति का विषय नहीं हो सकती। राष्ट्रनीति राजनीति से बड़ी है, ये मोदी जी को समझना पड़ेगा। आपने बदलाव की बात करी, स्ट्राइक के बाद जो सिनेरियो बना है उससे क्या बीजेपी पॉलिटिकल बेनिफिट ले रही है? मैंने जैसा कहा, राष्ट्रनीति राजनीति से बड़ी है, मोदी जी हो या अमित शाह जी हो और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेतागण, वो इस बार, वो हमेशा सेना शहादत देती है, सेना कुर्बानी देती है, और ये वातानुकूलित कमरों में बैठकर टेलीविजन और राजनीतिक रैलियों के मन से सेना की शहादत का राजनीतिकरण करते हैं, इससे अधिक निंदनीय है और खेदपूर्ण और शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती जो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि शहादत सेना की और वोटे बटोरे मोदी जी, ये कैसे चलेगा? इस प्रकार की दोगली नीति जो है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। बोल। सर, फरीदाबाद कांग्रेस में के बड़े नेता इस देश में मौजूद नहीं है, आप लोग इकट्ठे नहीं हुए तो कैसे बदलाव लेकर आओगे? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि कार्यकर्ता सबसे बड़ा है। आदरणीय एसी चौधरी जी यहाँ है, भाई आनंद कौशिक जी यहाँ है, हमारे दूसरे बैकवर्ड क्लास के हमारे जो प्रधान है प्रांत के, भड़ाना जी, वो यहाँ है, आदरणीय बचन सिंह आर्य जी यहाँ है, भाई राजकुमार वाल्मीकि जी यहाँ है, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष यहाँ है, हमारे NSUI के अध्यक्ष यहाँ है। इसलिए हर कार्यक्रम में हर आदमी आए ये संभव नहीं, परंतु कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों इस कार्यक्रम में हैं। मैं अब आपको और इंद्र देवता के सर एक हाथ उठा के फोटो करवा दीजिए, मनमोहन जी का हाथ उठा के, मनमोहन जी का हाथ उठा दीजिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खट्टर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ के अलावा जमकर संगीन अपराध हो रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अरावली के मुद्दे पर बोलते हुए सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार अरावली में 60,000 एकड़ भूमि पर 50,000 करोड़ का जबरन घोटाला कर रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत विधानसभा के आखिरी सत्र में आखिरी मिनट पर अरावली पर कानून बनाया ताकि राजनीतिज्ञ लोगों, मंत्रियों और बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने खट्टर सरकार से मांग की है कि अरावली घोटाले में शामिल तमाम लोगों के नाम सरकार सार्वजनिक करे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार इस कानून के माध्यम से अरावली के पहाड़ों की चकबंदी पर, इन पहाड़ों को तोड़ने पर आमदा है और अरावली का दोहन कर दोनों हाथों से लूटने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो इनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे।
जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी रैलियों के मंच से राजनीति कर रहे हैं, जो शर्म की बात है, क्योंकि शहादत सेना की और वोट बटोरे मोदी, यह नहीं चलेगा और इस दोगले नीति पर पाबंदी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना की शहादत राजनीति का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति से बड़ी राष्ट्रनीति है, यह मोदी को सोचना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कल ही 8 लोगों के मारे जाने की खबर आई है, जिसमें 5 सैनिकों और पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। वहीं पाकिस्तानी गोलाबारी से 3 नागरिक भी मारे गए हैं, जिसमें माँ, 5 साल का बेटा और 1-9 महीने की बच्ची भी शामिल है, जिसकी ठीक से आंख भी नहीं खुली थी। उन्होंने मोदी को घेरते हुए कहा कि कब मोस्ट वांटेड आतंकवादियों पर कार्रवाई होगी। बहरहाल आपको बता दें कि इस रैली के जरिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है।